हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज मैं लेके आया हूं एक टेक कंपनी के मार्केटिंग हेड को। तो हम समझेंगे कि अगर आपका एक टेक प्रोडक्ट है या फिर आप टेक इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए, या फिर अगर आपकी एजेंसी है तो आपको किस तरीके से हाई ग्रोथ स्टार्टअप के ऊपर काम करना होता है। फंडामेंटली मार्केटर हूँ, शुरुआत सेल्स में की थी, बीच में थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट ग्रोथ कंसल्टिंग कर लिया, उसके बाद रेज़रपे, क्लेवर टैप और अभी प्लम जैसे हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में मार्केटिंग लीड करने का मौका मिला है। बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे, बट हाई एनर्जी, हाई रिवॉर्ड, हाई रिटर्न, हाई स्ट्रेस, हाई प्रेशर काइंड ऑफ एनवायरमेंट में ज्यादा काम कर चुका हूँ अभी, बट इट्स फन। तो थोड़ा सा मुझे बताओगे ये हाई ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? क्या हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू टर्म्स में कितने एक्स का मल्टीपल हो रहा है? आप समझ सकते हो कि जो एक ट्रेडिशनल कंपनी में होता है कि एक सर्टेन ऑर्गेनिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है कि सालाना आप 150% 200% ऐसे ग्रो करते हो। यहाँ पे स्टार्टअप इंडस्ट्री में फंडिंग के बदौलत या जैसे आप मार्केट के डायनेमिक्स और इकोसिस्टम के होते एक एक्सपेक्टेशन ऐसा हो जाता है कि आप ईयरली 5x 10x भी ग्रो कर सकते हो। तो इस एम्बिशन को फ्यूअल करने के लिए एक बहुत हाई एनर्जी, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, हाई लेवल ऑफ एपेटाइट की जरूरत होती है। तो इस ऐसे एनवायरनमेंट के लिए एक डेडिकेटेड टीम हो, उनके ख्याल अलग होते हैं, फास्टर एक्सपेरिमेंटेशन, क्विकर एजिलिटी, तो ऐसे चीजों में मेरी एक्सपीरियंस अभी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बताओगे कि अगर किसी के पास में अपना स्टार्टअप है और वो टेक प्रोडक्ट बना रहा है तो वो किस तरीके से स्केल कर सकता है? देखिए, एक तो टेक प्रोडक्ट काफी ब्रॉड टर्म हो गया, आप कंज्यूमर फोकस्ड हो सकते हो या आप एसएमई फोकस्ड हो सकते हो, छोटे बिजनेसेस, आप एंटरप्राइज फोकस्ड हो सकते हो। तो मार्केटिंग के तीन फंडामेंटल्स होते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। तो आप सबसे पहले ये सोच लोगे कि आप बेच किसको रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है, और ये लोग जो हैं ये करते क्या है, इनके क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। तो समझो आपने कोई एसएमई कंपनी के लिए खाता मेंटेन करना कर लिया, तो उसके हिसाब से आपकी कैंपेनिंग अलग हो जाएगी, आपका लैंग्वेज अलग हो जाएगा, आपकी क्रिएटिव्स अलग हो जाएंगी। जो हम टूल यूज कर रहे हैं, जूम हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसका मार्केटिंग जाहिर तौर से बहुत अलग होगा कंपेयर टू एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो टीयर टू टाउन्स दुकानदारों के लिए बनी है। कहने के लिए तो दोनों टेक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बहुत फर्क ऊपर जाता है आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपके चैनल्स, आपके कैंपेन्स में, और ये समझ परखना ही मेरे काम का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं और इसका स्पेसिफिक मार्केटिंग कैसा होता है। यही एक स्ट्रेटेजी का बेस है। तो थोड़ा सा तीनों वर्टिकल्स पे स्ट्रेटजीज बताओगे किस तरीके से चलनी चाहिए। तो पहले बात करके चलते हैं हम कि एसएमईज को टारगेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी किसके अराउंड रहनी चाहिए? एसएमई में भी बात तो ये है कि अगर आप छोटे बिजनेसेस को आप टारगेट कर रहे हो, आप सबसे पहले बिजनेस ओनर को टारगेट करोगे क्योंकि अक्सर टीम में छोटे होते हैं, आप उनके एंड कस्टमर को तो नहीं करोगे। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को प्रोपराइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस मानते हैं, ना कि को फाउंडर, है ना। और डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, आप समझ लो कि अगर आप दुकानदारों को टारगेट कर रहे हो, एसएमई शॉप्स या एसएमई इंडस्ट्रीज को आप टारगेट कर रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग शायद दिन भर लिंक्डइन पे ना हो, ये इनके ज्यादा ट्रेड पे काम हो रहे हैं। तो आप ऐसे चाचा जी फूफा जी के बारे में सोचो जो अपना छोटा सा एक दुकान चला रहे हो, वो दिन भर लिंक्डइन पे तो नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे शायद या फेसबुक पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यूट्यूब कभी कभार देख लेते हैं। तो हम ये चैनल्स को यूज करते हैं उन तक पहुंचने के लिए। यही बात होगी थोड़ी मिड मार्केट जो हम सोचते हैं कि एक सर्टेन स्ट्रेंथ, मतलब डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर आप कैसे डिफाइन करते हो इनको। मिड मार्केट में अक्सर ये होता है कि छोटी टीम होती है 50 से 200 लोगों की, इन टीम्स में डिसीजन मेकिंग थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स समझते हैं, किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग ज्यादातर कॉस्ट के बेसिस पे हो जाती है, तो आपके मैसेजिंग अलग हो जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि आप लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल जैसे चीजें यूज करो। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट हो जो नॉन डिजिटल नेटिव हम कहते हैं, मतलब समझ लो आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, वो तो आप टेक कंपनी, आपकी टेक प्रोडक्ट है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर तो डिजिटल चैनल्स का शायद कोई मायने ना हो।
वहां पे डिजिटल चैनल कोई यूज कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे जगह पे हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर में एड डालो या हॉटस्टार जैसे आजकल नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एड आने लग गए हैं. बट हमने देखा कि मार्केटिंग कई बार अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करना चाहो टेक प्रोडक्ट के बारे में, तो आप बैंकर्स के थ्रू भी जा सकते हो क्योंकि उनसे उनकी बातें होती हैं. आप पार्टनर्स के थ्रू जा सकते हो, यहाँ पर भी ये भी मार्केटिंग ही है. तो हम इसको बोलते हैं आपका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी. गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है कि आप कैसे चैनल्स यूज करते हैं, आप किन से बात करते हैं, आप किन के थ्रू उन तक पहुंचते हैं. एंड इसमें बहुत कॉन्टेक्स्टुलाइज हो जाता है. एंटरप्राइज में अक्सर पार्टनर्स के अलावा हमको यूज करना पड़ता है रेफरल नेटवर्क. तो अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी तक पहुंचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहां पे बहुत सारे डिसीजन मेकर होंगे, वहां पे बहुत सारा एक सेल्स साइकिल आपका लंबा चलेगा, तो आपको तमाम लोगों के साथ एंगेज्ड रहना पड़ेगा. हमको बीच में इनके जैसी दूसरी कंपनियों से इन्फ्लुएंस करवाना पड़ेगा या रेफरल करवाना पड़ेगा. तो हर सेगमेंट में हमारे प्रोसेसेस अलग हो जाते हैं. कई बार एंटरप्राइज कंपनीज में हम डेमो के तौर पे प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं 3 महीने के लिए कि आप पहले इस्तेमाल कर लो, आप खुश रहो, आप समझ जाओ कि कैसे इस्तेमाल करना है, फिर हम कमर्शियल्स की बात कर लेंगे. सो ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज इन सबका एक प्रोसेस है. गो टू मार्केट अलग होता है एंड उस गो टू मार्केट के हम फॉलोअर हैं. गो टू मार्केट कंपनी का होता है, एक सेल्स प्रोसेस का होता है, हम सब उसके अलाइनमेंट में होते हैं. एंड मार्केटिंग सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चलना चलना चाहिए. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी. तो मैं थोड़ा सा इसको समेट देता हूँ. तो मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का अपना गो टू मार्केट समझना है. गो टू मार्केट मतलब किस टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना चाहते हो और वो कहाँ बैठी होगी, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है. तो जरूरी नहीं है कि वो डिजिटल में बैठी हो, आपको समझना होगा कि अगर वो डिजिटल में बैठी है तो वो कहाँ बैठी है. तो अगर वो बहुत ही ज्यादा क्लासी है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ करती है, तो शायद लिंक्डइन पे मिल जाए आपको अगर वो बिजनेस ऑडियंस है. और अगर वो यूथ है और थोड़ा आपका प्रोडक्ट भी वैसा है कि आप यूथ अर्ली एज मतलब जेन जी को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम शायद ज्यादा अच्छा है. और अगर आप पापा लोग चाचा लोग को टारगेट कर रहे हो तो शायद फेसबुक आपके लिए ज्यादा अच्छा है. तो आपको सबसे पहले अपना चैनल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस चैनल पे वो करना है. बिल्कुल ठीक है. तो आप चैनल सिलेक्ट कर लिया, लेवल 2 आ रहा है. हमको क्रिएटिविटी सिलेक्ट करनी है कि अब उन चैनल के ऊपर क्या दिखाए, वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए, इमोशनल मैसेज दिखाए, सीधा प्रोडक्ट बेचे, क्या करे. हमने सबसे पहले देख लिया कि हम आप बेच क्या रहे हो और किन को क्या बेच रहे हो. मतलब ये दोनों हम समझ चुके हैं कि एक तो हम ऐसे इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, फिर इस इंडस्ट्री में और कौन है. जैसे अक्सर होता है कि आप पहले प्रोडक्ट नहीं होते हो मार्केट में, आपके जैसे 5-6 और प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं. आप किसी को रिप्लेस शायद कर रहे हो. जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इनोवेटिव से सबसे पहले एंट्रेंट हो मार्केट में. तो आपको वो भी कॉम्पिटिशन लैंडस्केप हम जिसको बोलते हैं, आपको वो भी समझना जरूरी है. तो अभी आपका गो टू मार्केट फिक्स हो चुका है, अभी आपने चैनल भी आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो हम चाचा लोगों से बात कर रहे हैं या जेंजी से बात कर रहे हैं. तो जेंजी ज्यादातर इंस्टाग्राम पे होती है. तो वहां पे इंस्टाग्राम पे देखिए एक कोई तरीका नहीं होता. मतलब दो कंपनी एक जैसे नहीं होती, दो लोग एक जैसे नहीं होते. तो हर चीज में यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत जरूरत होती है. तो अगर मैं जेंजी को टारगेट कर रहा हूँ, समझ लो आप शूज स्नीकर्स ब्रांड भी ऐसे कुछ बेच रहे हैं हम, तो जेंजी को टारगेट करने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे 10 चीजें हैं. या तो मैं पोस्ट डालूं, कॉन्टेस्ट चलाऊं, स्टोरीज ज्यादा यूज करूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करूं, या हो सकता है कि मैं कुछ हैक्स ट्राई कर लूं, यू नो क्विक कमेंट्स पे कॉन्टेस्ट चलाने की. सिर्फ इंस्टाग्राम एक चैनल मेरे लिए है, बट वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं. मतलब क्या टाइम पर मुझे पोस्ट करना चाहिए. मतलब जाहिर सी बात है अगर मैं दोपहर में अपना कंपनी प्रमोट कर रहा हूँ जेंजी पे, जो दिन भर शायद कॉलेज या स्कूल में बैठे हैं, तो क्या पता उनसे मिस हो जाए मेरा पोस्ट. तो मैं चाहूंगा कि मैं शाम में पोस्ट करूं, लिंक्डइन लाइव करूं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ऐसे टाइम पर करूं जब सब वीकेंड पर अपने अपने मजे में घर पर बैठे हूं. तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी में ये सारी चीजें कैप्चर हो जाती हैं. इसको हम एक अपना ब्लूप्रिंट मानते हैं. जैसे घर बनाने के से पहले आप एक फ्रेमवर्क एक ब्लूप्रिंट बना लेते हो, वैसे हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी की एक ब्लूप्रिंट हो जाती है कि हमको सारी चीजें ट्राई करनी है. और हल्के से जल्दी 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 एक्सपेरिमेंट करोगे आप, सब चीजों में थोड़ी बहुत सीख मिल जाएगी कि अच्छा भाई ये जो ऑडियंस है इनमें ज्यादातर लड़कियों से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इनको टारगेट करने के लिए हम ऐसे कैंपेन इस वक्त पे ऐसे क्रिएटिव के साथ इस मैसेज पे चला लेंगे. तो ये बनते 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 आपकी ओवर टाइम परफेक्ट हो जाएगी.
एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी ऑल्सो एम्प्लॉय. हम भले बी टू सी नहीं है, आज जिसमें कंपनी में काम करता हूँ प्लम बेनिफिट्स, हम इंश्योरेंस बेचते हैं और हम तमाम साइजेस की कंपनीज को टारगेट करते हैं. तो हम लिंक्डइन पर भी हमको ये करना पड़ता है, हम कॉन्स्टेंटली हम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि कौन सा मैसेज किसको भा जाता है. एसएमई ऑडियंस को कॉस्ट के बारे में बात करके कुछ शायद उनको क्लिक हो जाए. बड़ी कंपनीज के साथ हम सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं. मिड टीयर कंपनीज के साथ हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करना इतना आसान है, राइट. तो हर चीज, हर सेगमेंट में, हर ओनर के लिए, हर आईसीपी जो हम कहते हैं आइडियल कस्टमर पर प्रोफाइल, उनके लिए हम अपनी मैसेजिंग चेंज कर लेते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं. एंड ओवर टाइम वी लर्न कि किन के लिए क्या बेस्ट है और वो फिक्स हो जाता है. एंड जब तक आपका ये फाइनलाइज हुआ है, वो थक चुके हैं आपके मैसेजिंग से, तो आपको चेंज भी करना है, थोड़ा क्रिएटिव भी ले आना है, एक और प्रोडक्ट जुड़ गई बीच में. सो दिस इज कॉन्स्टेंटली, हम इसीलिए हम अपने आपको एक क्रिएटिव ग्रोथ फंक्शन मानते हैं. क्रिएटिव ग्रोथ वहां से होती है कि आपने पहले प्रॉब्लम समझ लिया कि अच्छा मेरे को इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री को ये बेच के देना है, तो हम उसी के लिए टारगेट करेंगे. हाँ बिल्कुल. थोड़ी सी इनसाइट्स बताओगे जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस में सीखा इसके रिगार्डिंग? जैसे भी आपने बताया कि एसएमई को हम कॉस्ट दिखा सकते हैं या फिर डैश दिखा सकते हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने देखी है एक्सपेरिमेंट करके और जो फाइनल रिजल्ट निकले कंक्लूजन कि यार ये चीजें काम करती है? अगर मैंने ऐसा कुछ सीखा है साहिल, तो ये है कि कोई एक नुस्खा नहीं है सबके लिए. हर कंपनी का अपना तरीका अलग होना चाहिए और आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा. भले हम एक एसएमई टारगेटेड कंपनी है, लेकिन हम इंश्योरेंस बेचते हैं. मैं एक रेजर पे के लिए काम करता था, जहाँ पे हमारे टारगेट, और हम वहाँ पर भी एसएमई को कई काफी हद तक टारगेट करते थे, लेकिन वहाँ पे हम इंश्योरेंस नहीं, पेमेंट सॉल्यूशन बेचते थे. तो वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट स्पीड हुआ करता था, वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट टाइम, यू नो, वो सेटलमेंट टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो हुआ करता था. आज एक एसएमई ऑडियंस इंश्योरेंस से कुछ अलग ही मांगता है. वो मांगते हैं कि यार कॉस्ट कम हो, यू नो, ज्यादा खर्चा ना पड़े, उनको ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं. तो आई फील इट ऑल कम्स डाउन टू आप किसको क्या बेच रहे हो एंड वहां पर उनको क्या चाहिए आपके सॉल्यूशन से. एसएमई ऑडियंस इंडिया में तो जाहिर सी बात है कि छोटी टीम है, उनको ज्यादा उनके पास ज्यादा बड़ी टीम नहीं होती कॉम्प्लेक्स टूल्स संभालने के लिए. उनको सबसे आसान चीज चाहिए जो मोबाइल पे चल जाए, जो ज्यादा कॉस्ट सिर्फ रकम के हिसाब से नहीं बट टाइम के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से ज्यादा टाइम ना लगे. और उनके जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल्का सा हल निकल जाए. एंड इसी के ऊपर हमारी मैसेजिंग होती है. हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हमारी मैसेजिंग को. उनको डेमो दिखा दिया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोट भेजा. हम कहते हैं भाई आप सिंपल सॉल्यूशन चाहते हो, हम आपको सिंपल सॉल्यूशन बना के देंगे. एंड इसमें हमारी थोड़ी बहुत सक्सेस हुई है. और क्या कहते हैं इसका कैक क्या रहता है, अगर मैं आपकी अभी करेंटली बात करके चलूं, कि जैसे कि मान लो आज हम देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया के अंदर, खासकर जब आपको हाई ग्रोथ जाना है, तो आपको जो 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ता है, तो एसएमई के अंदर ये कहाँ पे रहता है? तो ये थोड़ा कॉन्टेक्चुअल सवाल हो गया फिर से. कई बार क्या होता है कि अगर आप एसएमई को भी बेच रहे हो, लेकिन ये कैक काफी हद तक बहुत ऊपर भी जा सकती है. एज मार्केटिंग मेरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जितनी कम हो सके उतनी ले आए, जितना हम टच पॉइंट कम कर पाए उतना हम कर लें. एक नंबर देना थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए कि हमारा ये आज कैक है. हमको बहुत चीजें डेलिबरेट करनी पड़ती हैं और वो काफी फ्लूइड सा होता है. एलटीवी क्या मान के चलते हो? एलटीवी कितना लेके चलते हो? अगर हम कैक ना लेके चले, एलटीवी कितना लेके चलते हो कि 6 महीने में रिकवर हो जाएगा, 1 साल में रिकवर हो जाएगा, कब तक रिकवर होगा? तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां पे एलटीवी, मतलब हमको मानना पड़ता है कि रिटेंशन ज्यादा है, तो हमारा नेट रिटेंशन रेट हम कैलकुलेट करते हैं. तो आज के लिए हमारी कंपनी को इन एग्जिस्टेंस ही 2 साल हुए हैं, तो थैंकफुली हमारा रिटेंशन बहुत बहुत हाई है, कोई हमसे ऐसे चर्न होके गए नहीं है. तो एज वी कीप ग्रोइंग हम मेंटेन करना चाहेंगे कि इतना अगर आपका रिटेंशन है, वी वुड नॉट लाइक टू थिंक ऑफ आवर रिटेंशन ऑफ एनीथिंग लेस देन 4 इयर्स. और बाकी केपीआईज क्या होते हैं एसएमई की पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं बात करके चलूं तो अगर हमने एक मार्केटिंग कैंपेन एग्जीक्यूट किया, तो हमारे केपीआईज क्या है, क्या क्या केपीआईज को मेजर कर रहे हैं जिससे हम जज कर पाए कि हाँ कन्वर्जन हुआ? क्योंकि एसएमई की जो साइकिल है वो कन्वर्जन साइकिल लंबी हो सकती है.
जो एट्रीब्यूशन विंडो है, एट्रीब्यूशन विंडो लंबी हो सकती है, तो क्या करें? ज्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पे होती है, मतलब उनका पूरा एक्विजिशन प्रोडक्टाइज हो जाता है, उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया, केवाईसी कर लिया, एक्विजिशन हो गई. इंश्योरेंस में थोड़ा ये जरूरी है कि हम सेल्स एंगल भी हम इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली हम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस में किसी से एक बार बात हो जाए बिफोर बाइंग अ पॉलिसी. तो इस हिसाब से हम मेट्रिक्स आपके चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग. बट आज हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कैंपेन के तौर पे नहीं, एक परमानेंट ऑल टाइम लाइक बिजनेस एज यूजुअल केपीआईज जो हम बोलते हैं, सालाना थ्रू आउट द क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं कि हमको कौन से चैनल से कितने लीड्स आए. तो लीड्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बिकॉज मार्केटिंग ये कंट्रोल करती है काफी हद तक. तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होती हैं, सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स होती हैं, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स होती हैं. इससे पहले तो आप पहले ये भी देख लोगे कि भाई सोशल मीडिया पे मेरे को मुझे हमको किस टाइप की एंगेजमेंट मिल रही है, कैसे वो एंगेजमेंट मंथ ऑन मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रही है, उसके बदौलत मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे हो रही है, उस ट्रैफिक से कितने लोग, मतलब होता है कि हम ट्रैफिक टू लीड परसेंटेज बोलते हैं कि अगर मेरे वेबसाइट पे 100,000 लोग आए उसमें से 2,000 लोगों ने मेरा फॉर्म भर लिया उदाहरण के तौर पे, तो वो SAL से आगे अगले स्टेज सेल्स के हैंडओवर में कितनी क्वालिफिकेशन हो रही है हमारे, एंड उससे क्लोज्ड वन रेशियो, मतलब जो लीड हम लाए इनकी क्वालिटी कैसी थी. अगर हम 1,000 लीड लें उनमें से 200-300 लोग कन्वर्ट हुए या 100 ही लोग कन्वर्ट हुए, इसको हम कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज कैसे करें. तो इस प्रोसेस को हम सेल्स एनेबलमेंट कहते हैं. सेल्स को हम कंटेंट देते हैं, मैसेजिंग देते हैं ताकि वो भी क्लोज कर पाए. तो मार्केटिंग का जो पूरा जर्नी है वो लोगों के जहन से शुरू होती है. तो हम इसको शेयर ऑफ वॉइस बोलेंगे या ब्रांड सेंटिमेंट बोलेंगे, हम ये भी मेजर करते हैं. हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि लोग जब भी इंश्योरेंस के बारे में सोचें, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचें, उनको प्लम का नाम याद आए. तो इसको हम रिकॉल, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल, ऐसी चीजें बोल के मेजर करते हैं. उसके बाद वो ट्रांसलेट होता है सोशल मीडिया एंगेजमेंट, हमारी ईमेल कैंपेन्स का ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट, फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक, फिर हमारा कॉस्ट पर लीड जो हम कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करते हैं. फिर मतलब अगर लिस्ट ऑफ KPIs मैं आपको बता दूं तो शायद ये एक घंटे का डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन उसमें एक चीज जो हम रेवेन्यू के तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है लीड. लीड जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. और मार्केटिंग में क्या आपको ऐसा टारगेट भी दिया जाता है कि अब हमको ग्रोथ चाहिए 400% की, तो भाई अब तो लीड ला के दो, बस बात खत्म, चाहे कैक कहीं जाए कहीं ना जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको तो लीड चाहिए चाहिए. तो अक्सर ये होता है कि ग्रोथ स्टेज कंपनीज में पाबंदियां कम होती हैं कैक पे, बट प्लम एज अ कंपनी हम वैसे नहीं है. हमको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना है. हम इस होशोहवास खो के नहीं लाना चाहते बिजनेस. हमको फंडामेंटल्स हमारी तगड़ी रखनी है, दुरुस्त रखनी है. तो हम बहुत गौर रखते हैं ऑन अवर कॉस्ट पर लीड. कैक तो ओवर द जर्नी ऑफ द कन्वर्जन हो गया, बट हम बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं. इनफैक्ट आज क्योंकि स्टार्टअप्स का जो मैक्रो इकोसिस्टम है इसमें फंडिंग पहले जैसी नहीं है, हमारे कस्टमर्स के पास पहले जैसी फंडिंग नहीं है, हमारे प्रोस्पेक्ट्स के पास, तो हमको बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है इसके बारे में. बट ये जो गोल सेटिंग आपने शुरू किया था, ये गोल सेटिंग दो तरीके से होती है. एक तो मार्केट में हम कितना ले सकते हैं, और दूसरी चीज हमारी इनसाइट, हमारी हिस्टोरिक जो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से. मतलब आप ऐसी बात होगी कि कोई एवरेज स्टूडेंट से आप डिस्टिंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तो नहीं हो सकता. हम डिस्टिंक्शन के हैं तो डिस्टिंक्शन से मतलब डीन्स लिस्ट में आ सकते हैं. तो हमारे एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोथ वो भी बहुत मायने रखती है. तो हम अगर एवरी क्वार्टर आई एम ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग एट 100%, तो हम बोल देंगे कि चलो ठीक है 150% पे ग्रो कर लेंगे. मैनेजमेंट बोलेगी यार 150 पे तो मजा नहीं आया, 300% करके दो. तो यहाँ पे हमारा बड़ा डिबेट होता है बिटवीन अभिषेक, जिनसे आपकी बात हुई पिछले हफ्ते, उनके और मेरी. हम काफी डिबेट करते हैं कि अच्छा थोड़ा और पुश करते हैं, यहाँ से थोड़ा और लेकर आने की कोशिश करते हैं. बट ग्रोथ पे एस्पिरेशन दोनों की ही है, बट आई हैव टू बी द रियलिस्ट, मुझे सच बताना पड़ता है कभी. उनके तो एस्पिरेशन है, तो हम बीच में कहीं अराइव होते हैं कि अच्छा चलो ये क्वार्टर ये अचीव हो सकता है तो हम इसी पे फोकस करेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी टीम वो हर क्वार्टर हर ईयर टच कर पाई है. ठीक है, आपकी कंपनी के अलावा अगर हम बात करके चले मार्केटिंग सिनेरियो की पूरी की पूरी, तो जो भी हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स है, क्या आपने ऐसा देखा है कि वो लोग कैक वैक बिल्कुल भूल जाते हैं? उनका गोल होता है कि अगर रेवेन्यू बढ़ाएंगे तभी नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग बढ़ेगा,
अगर वो बढ़ेगा तभी कंपनी बढ़ेगी, तभी वो यूनिकॉर्न बनेगी, क्योंकि मेरे को मानना है कि यूनिकॉर्न बनाने में सबसे बड़ा हाथ मार्केटर्स का है। एक बड़ी मशहूर कंपनी है जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो फिनटेक स्पेस में, और वो बहुत खर्च करते हैं अपने मार्केटिंग पे, और काफी लोगों ने देखा है कि उनके रेवेन्यूज उतने ज्यादा है नहीं, उनकी मार्केट शेयर काफी हो चुकी है, बट वो बहुत खर्च करते हैं अपने मार्केटिंग पे, ब्रांड कैंपेन आईपीएल वगैरह में हर कहीं उन्होंने एड चला दिए, बहुत बढ़िया सी एड भी चलाई उन्होंने। लेकिन कोई अगर आप फंडामेंटली सोचो कि भाई इतना खर्च क्यों कर रहे हो, तुम पर कस्टमर आपकी कैक इतनी ज्यादा है आपकी, जिनकी एलटीवी शायद मैच ही ना हो पाए, आप क्यों ऐसे इतना खर्च कर रहे हो? देखिए वहां पर लोग, उनका भी दिमाग है, उन्होंने भी सोच रखा है, लेकिन आज अगर वो इंडस्ट्री में आप देखो तो उनके अलावा कोई बचा ही नहीं। तो कैक हमेशा आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना देखें, और ओवर एलटीवी पीरियड कई बार हम वी लुक एट एक्विजिशन टू गिव यू कॉम्पिटेटिव एज ऑल्सो। मतलब आज उन्होंने इतना कस्टमर, उन्होंने इतने कस्टमर अक्वायर कर लिए, उन्होंने इतना अपना नाम बना लिया कि कोई भी उनके इंडस्ट्री में इनके अलावा कोई नाम सोच ही नहीं सकता, कोई और एंटर भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने इतना खर्च करके एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लिया है अपना। तो हम ब्रांड, तो इसीलिए हम हमेशा अपनी मार्केटिंग स्पेंड को दो तरीके से देखते हैं। एक होता है आपका ब्रांड स्पेंड और दूसरा हो गया आपका लीड जेन स्पेंड। तो ब्रांड हमेशा मेरा लॉन्ग टर्म होगा कि मैं चाहता हूं कि ये खर्च करता रहूं, एड चला दिया। अगर आप मैं टेलीविजन कमर्शियल चलाता हूं तो मुझे जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा इससे मेरा लीड नंबर कितने बढ़े, इससे मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा, वहां पर मैं टॉप ऑफ माइंड रिकॉल के लिए कर रहा हूं। लेकिन जब मैं लीड जेन कैंपेन चलाता हूं जो साफ आपको बताती है कि भाई यहां पर क्लिक कर लो और ये डाउनलोड का लिंक है, वहां पे मैं मेजर करते रहता हूं कि ये मेरा कॉस्ट पर लीड है, ये मेरा कैग है। ब्रांड स्पेंड को हमको एसोसिएट हम कम करते हैं विथ अवर लीड जेन कैंपेन, एंड ब्रांड पर खर्च करते रहना बहुत जरूरी भी है। एंड जो आप क्रेजी स्पेंड आप जो कहते हो, आपको लगता है कि यार ये इतनी छोटी कंपनी इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है, वो अक्सर ब्रांड पे खर्च करती है। वो ब्रांड पर ऐसे खर्च करते हैं कि यार कंपटीशन को हमने मात दे दिया, हम अकेले बच गए इसमें। एंड दैट मोनोपोली ऑन द मार्केट, ऑन द डेटा, ऑन द कस्टमर, उनको बहुत लेवरेज और स्ट्रेंथ देते हैं ओवर टाइम, भले वो इन्वेस्टर्स के साथ हो, प्रोस्पेक्टिव एग्जिट राउट्स हो। बट ये पूरा एक लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। कैक मार्केटिंग अपने से नहीं चलता, हम पैरेलल चलते हैं कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, तो अभी आपने दो चीजों बात करी, हमने एक करी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जहां पे हम गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, एक ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बजट की एलोकेशन की बात करके चले, तो आइडियली एक छोटे स्टार्टअप को जब वो 0 to 1 जा रहा है तो उसको अपना बजट एलोकेशन किस रेशियो में रखना चाहिए, और जैसे जैसे वो ग्रो करता जा रहा है तो उसको अपना रेशियो किस तरीके से चेंज करना चाहिए? हमको कभी भी कोई चीज मार्केटिंग में विदाउट बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन, बिफोर हाइपोथेसिस नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले आपने आपका जो भी स्पेंड हो रहा है मार्केटिंग के तौर पे, आपको वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिकली स्प्रेड करते हैं। आप पहले अपने दोस्तों से खर्च करवाते हो, किसी को आप फ्री में दे देते हो, तो इसको आप लीड, ना तो लीड जन बोल सकते हो ना ब्रांड बोल सकते हो, है ना। तो उसके बाद आपने जब हल्की सी एक एस्टैब्लिश कर ली मैसेजिंग की, भाई इस मैसेजिंग पर लोगों को लगता है कि मुझे लगता है कि लोग मेरा प्रोडक्ट पसंद करेंगे, इसके ये बोलने पे लोग आएंगे, माय पर्सनल आइडिया वुड बी थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्राई कर लेना चाहिए। ब्रांड तब बात आती है जब आप स्प्रेड करने लग जाओ। तो आपकी जो टारगेटेड बेस है, आज आप जानते हो कि यार इस शहर में इस टाइप के ऐसे 15 कस्टमर तो मैं ले आऊंगा, तो आप फोकस्ड स्पेंडिंग करते हो, 15 एक बार ले आए, अभी आपका स्कोप वाइडन हो रहा है। आप वो 10 को 100 करना चाहते हो, 100 को 200 करना चाहते हो, तब जब आप स्प्रेड ज्यादा करना चाहो, इस स्टेज पे कैक पे ध्यान भी नहीं देना है, कैक रिलेटिवली हाई रहेगा। देखिए कैक हाई रहेगा जब आपके पास इतनी बहुत फंडिंग हो, अगर आप बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है तो आप तो तब तो आप आपको संभाल के करना पड़ेगा। और हमारे फाइनेंस हेड अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो गाली मारेंगे मेरे को, लेकिन बात यह है कि कभी भी आपको कैक अनलिमिटेड तो नहीं समझना है, बट ब्रांड पर आपको स्पेंड करना चाहिए। आपको शायद ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको वाइड स्प्रेड अवेयरनेस की जरूरत है, मोर सो जब आप कंज्यूमर B2B, लेकिन आप एक B2C कंपनी है, आपको एक वाइड स्प्रेड अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस्तेमाल करो, आप न्यूज़पेपर एड्स ट्राई करो, रेडियो एड्स, टेलीविजन कमर्शियल्स, मतलब तो तब आपकी जब वाइड स्प्रेड ऑडियंस हो जाती है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने लग जाओगे।
एंड वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है क्योंकि आपके लीड जन आपको उतना शायद डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं. आज हमारे एड पर लोग इसीलिए क्लिक करते हैं क्योंकि उनको हमारे ब्रांड कैंपेन अच्छे लगे. सिर्फ अगर आप लीड जन करो तो उस पर कोई फायदा नहीं है. तो इन दोनों को हमेशा टैंडम में जाना है. तो कभी ये सोचना कि सिर्फ परफॉर्मेंस पे खर्च करके हमारा काम हो जाएगा, ये भी गलत है. सिर्फ ब्रांड पे खर्च करना, ये भी गलत बात है. इसको भी थोड़ा समराइज कर देता हूं. अगर आप B2B काम कर रहे हो तो B2B के अंदर आपको मेजरली फोकस करना है स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस के ऊपर. मतलब लीड जला के देखो और देखो कितने रुपए में प्रोडक्ट बिकता है, कितने रुपए में क्या होता है. साथ के साथ छोटा बजट रखो ब्रांडिंग के ऊपर, जहां से अवेयरनेस क्रिएट होगी. तो एक चीज होती है बैनर ब्लाइंडनेस. हम बहुत सारी एड्स देखते हैं और बहुत सारी एड्स को स्किप कर देते हैं. तो अगर हमको कोई ब्रांड दिमाग में बसा रहता है कि यार इसको मैं जानता हूं, ये सुना था, तो चांसेस होते हैं कि आपको वो एड दिखाई दे जाए. और अगर वो मैसेजिंग आपके लिए सही होती है तो आप क्लिक करके शायद उस पर चले जाओ. ये हो गया B2B. और अगर हम B2C की बात करके चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी उल्टी हो जाती है. यहाँ पे आपको पहले ज्यादा ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, ब्रांडिंग के ऊपर खर्च करना पड़ता है, फिर आप परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हो. और अगर हम कैक की बात करके चले तो B2C के अंदर कैक रिलेटिवली स्टार्टिंग में हाई है और B2B के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो. बिल्कुल सही कहा. अब मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे कि आपकी हिस्ट्री के अंदर आपने कोई ऐसे 2-3 कैंपेन्स जो किए और मजा आ गया, मतलब आपने सोचा था ऐसा और हो गया ऐसा. अभी हमने बहुत हाल ही में एक केस स्टडी पब्लिश किया था, प्लम में ही हमने किया. एक्चुअली हम बेचते हैं पीपल लीडर्स को, मतलब HR या एंटरप्रेन्योर्स जो टीम संभालते हैं, ऐसे ये हमारा कस्टमर प्रोफाइल होता है. तो हमने बहुत थोड़ा रिसर्च कर लिया, हंसी मजाक में रिसर्च कर लिया कि भाई आप करते क्या हो दिन भर. तो हमको पता चला HR ज्यादातर लोग दिन में रिक्रूटमेंट भी करते हैं, अपने टीम का ही देखभाल नहीं लेकिन वो रिक्रूटमेंट का भी उनका जिम्मा होता है. तो हमने बस ऐसे ही प्लम का एक रेज्यूमे बना लिया. हमने कहा कि ये हमारी कंपनी है और ये हमारी रेज्यूमे है, आप दिन भर तो रेज्यूमे देखते ही हो, वी वुड लाइक टू ज्वाइन योर टीम, हम आपके टीम में शामिल होना चाहते हैं. ये हमने मैसेजिंग लेकर हल्के से सबसे पहले ईमेल भेजा कई HR लोगों को जो रिक्रूटमेंट करते हैं. तो वहां से बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिल गई हमारी हमको. उसके बाद हमने कुछ इवेंट्स में फिजिकली जाके अपना प्रोफाइल जैसे बांटा कि हमने पूछा कि है आर यू हायरिंग, एंड जब भी किसी ने कहा हाँ, हमने अपना रेज्यूमे दे दिया. और ये होते होते इतना बड़ा कैंपेन हो गया एंड इतना सक्सेसफुल हो गया हमारे लिए. एंड हमको बहुत सारी मोर देन द कैंपेन इट्सेल्फ हमको कवरेज मिली कि यार इतना इतना क्रिएटिव सा कैंपेन था. जब भी कोई रेज्यूमे बनाने के टिप्स देता हम जाकर वहां पर भी बोल देते अच्छा हमने भी अपना रेज्यूमे बनाया है. तो इसमें जो एक हसल नेचर होता है वो मेरी टीम ने बहुत बढ़िया से निभाया. और इसके होते हम ये एक हमारे लिए परमानेंट कैंपेन्स हो गया है. तो हम जब आप ब्रोशर कई कंपनीज वन पेजर्स ब्रोशर्स फ्लायर्स बनाती है हम अपना रेज्यूमे देते हैं कि वी वॉन्ट टू ज्वाइन योर टीम. और ये हमारे लिए काफी सक्सेसफुल रहा. बहुत 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 जबरदस्त था. तो यहाँ पे आपने क्या कुछ नंबर्स बताओगे कि क्या हुआ था? इसका पूरा केस स्टडी हमने पब्लिश किया है, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा केस स्टडी हुआ है. लेकिन हम अक्सर जो ईमेल ओपन रेट आप 35-40% देखते हो हमको 66-70% मिल गया. हमारी एड्स की क्लिक थ्रू रेट जो अक्सर 3-4% पे होती है वो 10-12% तक हो गई थी. तो इट इज ऑल अबाउट, ये एक शॉर्ट लिव्ड कैंपेन नहीं था हमारे लिए. हमने एंड ये हंसी मजाक में चल गया. हम एक्चुअली हमारी HR टीम को हम छेड़ रहे थे कि आप दिन भर करके आ रहे हो, हमको थोड़ी रिक्रूटमेंट में हेल्प कर दो. और इसी हंसी मजाक में पूरी कैंपेन निकल गई. और यहाँ पर इवन द नंबर ऑफ लीड्स जो हम एवरेज वीक ऑन वीक नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करते हैं इनमें हमने क्लोज टू 140-150% तक का इम्प्रूवमेंट देख लिया. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट दिस इज बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर मार्केटिंग कैंपेन्स. आप शायद समझ नहीं पा रहे, मैं इसको थोड़ा डिटेल में ऑडियंस को समझाता हूँ कि इनकी ऑडियंस कौन थी. इनकी ऑडियंस वो है जो बिजनेस कर रहे हैं और उनको अपने इम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस लेना है. तो लॉजिकली इम्प्लॉयज लेने हैं तो वो हायरिंग भी कर रहे होंगे, तभी वो बड़ी टीम होगी. अगर हायरिंग नहीं कर रहे होगी तो नहीं होगी. तो जो लोग हायर कर रहे हैं उसी के अंदर उन्होंने अपना प्रोडक्ट पिच किया और ये वाला प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके पास भेजा जिसके हाथ में डिसीजन पावर है. तो ये HR के पास जा रहा है और HR ही प्रोडक्ट बाद में ये समझ के लेगा. तो इन्होंने एकदम उस लेवल पे टारगेटिंग करी है. बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट. और कुछ ऐसी कैंपेन जो बॉम्ब करी गई हो, मतलब सोचा था कि चलेगी पर नहीं हुआ? बॉम्ब तो देखिए
दो तीन चीजों से ही होती है, या तो आपने एक्सपेरिमेंट आपने गलत चलाया है, या उससे आपका लर्निंग गलत था, आपने छोटी बहुत एक्सपेरिमेंट चला ली, उससे आपने गलत लर्निंग सीख ली और आपने सोचा कि नहीं यार चलो हो जाएगा। दूसरी चीज आप सोचते हो कि मैं ही कंज्यूमर हूं तो यार मुझे लगता है ये सही होगा, तो कंज्यूमर भी यही रिस्पॉन्स देगा। तो ये अक्सर हो जाता है कि बॉम्ब तो किया है, हम सब ने किया है, काफी बार किया है। एज अ मार्केटर जब आप ग्रो होते हो तो कई बार आपने गलत चीजों पे फोकस किया होगा। लेकिन वेयर आई वुड फील ब्रांड कैंपेन्स में बड़ा हमको टच एंड गो हो जाता है कि यार हम, बिकॉज वहां पे क्रिएटिव इनपुट ज्यादा होती है और आप न्यूज़पेपर या रेडियो या टेलीविजन में जब एड चलाते हो तो उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड इन्वेस्टमेंट कई बार इतनी ज्यादा होती है कि बाद में लगता है कि यार शायद इतना नहीं खर्च करना चाहिए था, थोड़ा कम कर लेते तो ठीक था। लेकिन एंड ऑफ द डे उसका रिटर्न जो है वो ओवर टाइम आता है आपको। तो बॉम्ब तो किया है, कई बार मैसेजिंग के तौर पे किया है, कई बार एक्सपेरिमेंट गलत समझ लिया है, एक्सपेरिमेंट गलत चला लिया, बट थैंकफुली बिकॉज मेरा काम ज्यादा डिजिटल में है, गलती जल्दी पकड़ने में हो जाए, जल्दी पकड़ पाते हैं। लेकिन जब भी ट्रेडिशनल मीडिया में गए तो लगा कि यार थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे, थोड़ा कम पैसा खर्च कर लेते। कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी गलती हुई और वो अपने दो तीन घंटे में ही पकड़ ली, मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कैंपेन में यूट्यूब लिंक गलत डल गया। हर हफ्ते होता है ये तो, बिकॉज कुछ ना कोई ना कोई ना कोई चीज जरूर फट जाती है। हम मेरा एज अ मैनेजर एज अ लीडर यहाँ पे आधा काम तो आग बुझाना ही होता है, तो किसी ना किसी ईमेल में गलत लिंक चली जाती है, कोई ना कोई कस्टमर को हम गलत कम्युनिकेशन दे देते हैं। बात ये नहीं है कि गलती नहीं होगी, बात यह है कि आप कितनी जल्दी उसको मान लो और उसको सॉर्ट कर लो। तो ये जो एजिलिटी आपको जरूरत पड़ती है, एक तो हम इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप हमको आप कंपेयर करेंगे बहुत बड़ी कंपनी से, वहां पे कस्टमर को एक ईमेल भेजने से पहले चार अप्रूवल राउंड लगेंगे, लेकिन गलतियां कम होंगी। यहां पर हम गलती करना हमको लगता है कि ठीक है, हम हर घंटे चार ईमेल भेज सकते हैं, हम हर दिन चार कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन उसमें गलतियां जाहिर सी बातें होंगी, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में हम जाके माफी भी मांग लेते हैं, कई बार रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, कई बार लोग गुस्सा भी हो जाते हैं हमसे। ठीक है, तो कुछ चेकलिस्ट है क्या आपके दिमाग में जो आप लोगों को भी बताना चाहोगे कि अगर आपको इन चेकलिस्ट का ध्यान देना चाहिए अगर आप कैंपेन वैम्पेन कुछ भी कर रहे हो? डिजिटल के हिसाब से ही नहीं बताऊंगा, लेकिन सारे जो हमारा मार्केटिंग टीम इतना क्रिएटिव काम भी करता है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि पूरा काम कर लो, उसके बाद 20 मिनट का एक बड़ा लंबा वॉक करके आना, वो पब्लिश या पुश या जो बटन होता है आपका पुश करने से पहले 20 मिनट का एक लंबा वॉक करके आना, चाय वाय पी के आओ, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए, बैठ कर देखो कि दो चीजें, एक सब सही किया है या दूसरा इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं क्या। हो सकता है कि आपको एक घंटा और बैठना पड़े लेकिन आपकी आउटपुट उतनी ज्यादा बेटर होगी। तो ये जो एक हमने एक एक्टिव प्रैक्टिस बना रखा है कि UTM चेकलिस्ट आपने चेक कर लिया, एक तो चेकलिस्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स की, आपकी टारगेटिंग सही है, UTM सही है वगैरह वगैरह, क्रिएटिव कैंपेन्स में आपकी कॉपी सही हो रही है, कि आपने मैसेजिंग सही दिया है, प्राइसिंग सही से दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल सही से दिए हैं, ये सब चीजें आप जब चेक करते रहते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार इससे तो ये अच्छा होता, एंड ये आइडिया आपको आया वो चाय पीने के वो 20 मिनट के राउंड में। तो एक अर्जेंसी से अगर आप जब करते हो तो आप अंडर यूटिलाइज करते हो अपने आपके स्किल को कभी, और कभी ऐसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो एक स्टैंडर्ड मैसेज है, 20 मिनट का ब्रेक ले लो पब्लिश करने से पहले और दिमाग साफ कर लेना, सब सॉर्ट हो जाएगा। इसके होते हैं मैंने देखा है कि गलतियां तो थोड़ी कम हो गई। तो थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ आखिर, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।